सच बताओ भाई, ये जेजेपी वाले खट्टर का समर्थन करने के लिए आए थे क्या? क्या कह के वोट मांगी थी इनको? जमुना पार भेजेंगे? जमुना पार वालों को तो बना दिया इन्होंने। और सुन लो, इनसे छुटकारा चाहते हो तो मिलके एक हो जाओ। दूध और पानी की तरह मैं कई बार कहता हूं, दूध और पानी का जो मेल होता है ना, ऐसे मिल जाओ। दूध में पानी मिलाते हो तो उसको कोई फिर अलग नहीं कर सकता। तेल में मिला दो, घी में मिला दो, सीत में मिला दो, न्यारा हो जाएगा। लेकिन दूध में मिलाओगे तो अलग नहीं होगा। दूध अपने अंदर समेट लेता है, और थोड़ी सी देर के बाद जब आप उस दूध को गर्म करने के लिए चूल्हे पे रखते हो तो पानी एहसान का बदला चुकाता है और कहता है, ओ मेरे भाई दूध, जब मैं तेरे पास आया था तूने कोड़ी भर के अपने अंदर मिलाया, अब तेरे ऊपर मुसीबत है। मैं पानी तुझ दूध को विश्वास दिलाता हूं कि पहले मैं जलूंगा फिर तेरे ऊपर आँच आने दूंगा, और पानी पहले जलने लगता है। लेकिन पानी को जलता हुआ देख के दूध चुप नहीं बैठता, गुस्से में आता है और डेगची के किनारों पे उफण के चूल्हे की आग बुझाने की कोशिश करता है, करता है ना। उसके बाद मेरी ये माँ बहनें पानी का छींटा दे देती हैं, दूध शांत हो जाता है कि मेरा भाई पानी वापस आ गया। लेकिन ये मेल भी टूट जाता है। कब टूटता है? जब नींबू की खटास की दो बूंद निचोड़ दो। बढ़िया मेल रखो और खटास आने मत दो। ये खटास लाने की कोशिश करेंगे। अब मेरे से कह रहे थे, जी कानून व्यवस्था का तो बुरा हाल है। रे एक बड़ा लीडर जब न्यू के लठ ठा लो, जेल जाने से मत डरो, लीडर बन के निकलोगे। मैं नाम नहीं बताऊंगा किसने कही यह बात, अगर मैंने नाम बता दिया तो तुम समझ जाओगे मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और एक बड़ा यूं बोला, बड़े वाला यूं बोला, मेरे बनने से पहले हिंदुस्तान में जन्म लेना शर्म की बात मानी जाती थी। उसका भी नाम नहीं बताऊंगा, वो बता दिया तो फिर समझ जाओगे कि मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। लेकिन इस देश में भगत सिंह चंद्रशेखर फांसी के फंदे पे यूं बोले, भगवान यहीं पैदा करिए दोबारा। और एक मुसलमान नौजवान है, उसकी चार पंक्ति सुना के अपनी बात को खत्म करता हूं। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला, एक हिंदू था एक मुसलमान, एक दिन फांसी आई आजादी की लड़ाई में। बिस्मिल तो बोला, माँ दोबारा आऊंगा और आजाद कराऊंगा। लेकिन अशफाकुल्ला क्या बोला, मुसलमानों में पुनर्जन्म की थ्योरी नहीं है। बिस्मिल बोला कि फिर आऊंगा, अशफाकुल्ला बोला जाऊंगा खाली हाथ मगर एक दर्द साथ ले जाऊंगा, जाने कब जाऊंगा खाली हाथ मगर एक दर्द साथ में जाएगा, जाने कब ये हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू है, कहता है फिर आऊंगा फिर आऊंगा, फिर आकर ए भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। मुसलमान नौजवान कह रहे हैं, जी चाहता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बंध जाता हूं, जी चाहता है मैं भी कह दूं मजहब से बंध जाता हूं,
मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। अगली दो लाइनों में तोड़ कर रहा है, मगर खुदा अगर मिल गया कहीं पर, मगर खुदा अगर मिल गया कहीं पर तो अपनी झोली फैला दूंगा और उससे एक जन्नत के बदले, जन्नत मुसलमानों में स्वर्ग माना जाता है, और उससे एक जन्नत के बदले पुनर्जन्म ही मांगूंगा।